जिले में एमएसआरटी के 5 चूल्हे जोखई कंस्ट्रक्शन औरंगाबाद चला रहा है, लेकिन बाड़ी स्थित एमआरटीसी हिंगना रोड पर बसे टोल का झोल बना है। टोल का छत कब गिरेगा पता नहीं है, सड़कें खराब है, टोल पर कोई सुविधा नहीं है, शिकायत बुक चालकों को नहीं देते, पानी बाथरूम नहीं है, फिर टोल वसूली क्यों चल रही है? यह सवाल महाराष्ट्र वाहतूक सेना नागपुर जिला उपाध्यक्ष राकेश अग्रवाल ने किया। वाड़ी टोल पर भेंट देने पर टोल की हकीकत सामने आई। 5 साल से टोल खस्ता हालत में है, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। टोल के इंचार्ज अनिल पांडे ने बताया कि यहाँ सुविधा है, 1.5 माह में कोई समस्या नहीं रहेगी। नागपुर जिले में हिंगना, वाड़ी, दाभा, काटुल रोड, उमरेड रोड टोल है। गई कंस्ट्रक्शन औरंगाबाद चला रहे हैं। पुराना टेंडर खत्म हुआ, अब नया टेंडर 6 सितंबर को निकलेगा, फिर भी टोल की वसूली शुरू की है। टोल पर असुविधा दिखाई दी है, टोल की छत जर्जर हुई, शिकायत बुक तो है लेकिन लोगों को नहीं देने से बुक खाली पड़ा है। 1 जुलाई 2021 को एक शिकायत दर्ज हुई, उसके बाद 2 सितंबर को पत्रकार सौरभ पाटिल ने टोल की समस्या की शिकायत दर्ज की। महाराष्ट्र वाहतूक सेना के जिलाध्यक्ष भावराव येवतकर, उपाध्यक्ष राकेश अग्रवाल, ट्रांसपोर्टर नरेंद्र मिश्रा ने टोल पर भेंट कर विभाग को निवेदन सौंपा। समस्या हल नहीं की गई तो चक्का जाम कर टोल को बंद करने की चेतावनी दी। आज हम लोग वाड़ी एमआरडीसी टी पॉइंट के टोल टैक्स पे खड़े हैं। सबसे प्रथम से टोल टैक्स से जो यहाँ पे प्रबंधक जी हैं, यहाँ पे जनता से पूछना चाहता हूँ कि यहाँ से लेकर टी पॉइंट से और एमआरडीसी तक के इतनी दूरी में टोल बैठाया किस लिए गया है? अवैध वसूली करने के लिए बैठाया गया है, किसके लिए बैठाया गया है? ये टोल है किस बात का? न हाईवे का है, न किसका है, किसके ऊपर से पैसे देकर नेताओं मंत्रियों के नाम पर टोल लेके कहानी खत्म। एक भी रोड नहीं बनी है, पहले तो रोड बनाओ, फिर टोल पर जो सुविधा होना चाहिए। यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं है, शिकायत बुक भी नहीं है। ना शिकायत बुक है नहीं है, तभी हमने मांगे तो मिला नहीं है। क्यों नहीं मिला? नहीं है ना, ला दे दिखा। नहीं है बोले ना, अभी बताओ। नहीं नहीं है ना। हाँ, तो और भी सुविधा नहीं है यहाँ पे, और पानी की सुविधा है, पानी दिखाइए। यहाँ पे एक्वा पानी का है, वहाँ पे गंदगी है, बरसात का मौसम है, बरसात का मौसम है, सब ठीक हो जाएगा। 1.5 महीने के बाद पूरा काम चालू हो जाएगा रोड का। तो डेढ़ में टोल बंद होना चाहिए ना, जब रोड है नहीं। टोल क्यों वसूल कर रहे हैं? टोल की सुविधा नहीं है तो टोल की चीज़ नहीं है। ये जो चीज जो है, ये असुविधा जो है, ये आज से नहीं है, करीबन मैं देख रहा हूँ। ये अभी हम जो है वाड़ी टी पॉइंट पे जो टोल नाका है, यहाँ पर हम खड़े हैं। हमारा विषय ऐसा है कि यहाँ से लेके एमआईडीसी तक जितना भी रोड है वो पूरा का पूरा रोड खत्म हो चुका है, टू व्हीलर के चलने के लायक भी नहीं है। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से लाखों रुपए जो टोल वसूल कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? एक आम आदमी अगर टोल टैक्स का पैसा पे कर रहा है तो क्या उसको टोल की सुविधा नहीं मिलनी चाहिए, रोड नहीं मिलना चाहिए? उसके साथ साथ जिस टोल पे हम खड़े हैं यहाँ से छोटी गाड़ियों का आवागमन भी होता है। इस टोल पर किसी भी तरह की सुलभ शौचालय की अगर किसी बच्चे को लेडीज को जरूरत पड़ जाए वो सुविधा तक नहीं है। कुल मिलाकर हमारा कहना ऐसा है कि जिस तरह आरटीओ चेक पोस्ट पर ट्रक वालों को खुलेआम लूटा जा रहा है, उसका जीता जागता उदाहरण ये वाड़ी वाला टोल है, जहाँ पर ट्रक वालों से पूरा दिन में लाखों रुपए की वसूली की जाती है, ना रोड है, ना कोई प्राथमिक सुविधा है। नमस्कार, जय महाराज। मैं भावराव रेवतकर, जिल्हा अध्यक्ष महाराष्ट्र वाहतूक सेना। इथे वाड़ी टो एमआरडीसी रोड वर जो टोल है, त्या टोल वर जेव्हा आम्ही इथे पाहणी केली आणि रोड वर रोज येणे जाण्याचा रस्ता आहे, आज मोटरसायकलवाले जेव्हा येणे जाणे करतात इथून, तर प्रत्येक ठिकाणी 5-5 मिनटात 5-5 सेकंदावर 5-5 मीटरवर जे गड्ढे पडलेले आहेत, आज हे टोल वसुली करण्यावाल्यांनी यांनी ते रिपेअर केले पाहिजे आणि रोड बनवलेला पाहिजे। यांच्या टेंडरमध्ये लिहिलेलं असते का रोड सर्वपरी व्यवस्थित राहील, आणि स्वच्छताच्या अभावामुळे दुर्गंध ह्या टोलवर दिसत आहे आजूबाजूला, की स्वच्छताचा अभाव कुठंच नाही दिसत आहे। आणि जो स्वच्छतागृह आहे, जे टोलच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये प्रत्येक वस्तू गरजेच्या आहेत, येणाऱ्या जाणाऱ्याकरता ज्यांच्याकडून टोल वसूल केल्या जाते किंवा राहगिराकरता, की इथे बाथरूम, स्वच्छतागृह, आंघोळ करण्याचे, पाणी पिण्याचं, ह्या सगळ्या सुविधा असायला पाहिजे, त्या इथे आजूबाजूला कुठेच दिसत नाही आहे। वरतून टोलची हालत पूर्ण जर्मरा झालेली आहे की केव्हाही कुठेही अपघात होऊ शकतो, गाडीवाल्याचा म्हणा किंवा बाईकवाल्याचा हा आहे। आणि स्वच्छता म्हणलं तर घाणीचा इथं खूप आजूबाजूला प्रकार आहे, तर मला असं वाटतं की इथे टोलवर सुविधाचं कुठंच नाव निशान दिसत नाही, फक्त नावाच्या खाली सुविधा दिसत आहे, आणि वर कंप्लेंट बुक असायला पाहिजे की नागरिकांनी इथे कंप्लेंट नोंदवायला पाहिजे। तर इथे बीसीएन न्यूज के लिए वाडी से सौरभ पाटील की रिपोर्ट।